नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आपने मणिरत्नम सर की फिल्म PS1 तो देखी ही होगी। काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी, काफी हाई बजट की मूवी थी। और दोस्तों, इसमें ऐश्वर्या राय बच्चन, विक्रम, कार्ती, जयराम, रवि, त्रिशा जैसे कलाकार थे। और दोस्तों, जिस प्रकार से इस फिल्म को बनाया गया था, जिस प्रकार से इस फिल्म के विजुअल्स थे, बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी थी, AR रहमान का शानदार म्यूजिक था, और दोस्तों जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस सीन थे। चोला साम्राज्य के ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी, काफी ज्यादा पसंद की गई थी फिल्म को। फिल्म बॉक्स ऑफिस और ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। तो अगर आप PS2 का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि PS2 के बारे में रिलीज डेट तो मैं आपको पहले से ही अपने एक वीडियो में जानकारी दे चुका हूं कि ये फिल्म 28 अप्रैल 2023 को रिलीज होने वाली है। जी दोस्तों, 28 अप्रैल 2023 को इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा, क्योंकि PS1 के साथ साथ ही PS2 की भी शूटिंग कंप्लीट कर ली गई थी। अब इसका पोस्ट प्रोडक्शन का VFX वगैरह का काम पूरा हो चुका है, तो फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट तय कर दी 28 अप्रैल 2023। और इस दिन इस फिल्म का एक कलेश होगा, जबरदस्त है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जो कि करण जौहर की फिल्म है। करण जौहर कई वर्षों के बाद में डायरेक्शन के क्षेत्र में वापस नजर आ रहे हैं। उस फिल्म में रणवीर सिंह तथा आलिया भट्ट प्रमुख भूमिका में, साथ ही धर्मेंद्र, लेजेंडरी एक्टर, शानदार एक्टर धर्मेंद्र जी भी उसमें, जया बच्चन ने सवन आदमी है, तो काफी बड़ी फिल्म वो भी होने वाली है। इन दोनों का कलेश जबरदस्त होगा, देखने लायक होगा। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि PS2 के बारे में अब जो लेटेस्ट खबर निकल करके सामने आ रही है वो ये है दोस्तों कि इस फिल्म को IMAX वर्जन में भी रिलीज किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसको IMAX वर्जन में भी रिलीज किया जाएगा। साथ ही पिछली बार की तरह ही हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, इंग्लिश, कई भाषाओं में इस फिल्म को रिलीज किया जाने वाला है। तो बहुत बड़ी रिलीज है, और डेफिनेटली फर्स्ट पार्ट से भी ज्यादा कलेक्शन ये फिल्म अपने सेकंड पार्ट का करने वाली है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ने लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी है कि सेकंड पार्ट में आखिर क्या दिखाया जाएगा। तो काफी बड़ी रिलीज है, आप इस फिल्म का कितना इंतजार कर रहे हो? और जैसे दोस्तों, अब इस फिल्म का टीजर वगैरह कब जारी होता है, इसके बारे में आपको जैसे कोई डिटेलिंग आती है, मैं आपको लगातार चैनल पे जानकारी देता रहूंगा, क्योंकि अगले महीने से फिल्म का प्रमोशन ऑफिशियल रूप से शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, जय श्री राम।